नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वर्मी टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्यपाल अनुसुईया उइके संशोधन विधेयक पर सोमवार को करेंगी हस्ताक्षर। पुलिस की गाड़ी पलटने से थाना प्रभारी सहित 6 घायल। एमपी से आरोपी को गिरफ्तार कर लौट रहे थे छत्तीसगढ़। नगरनार स्टील प्लांट में अगले साल से शुरू होगा उत्पादन, रोजगार के अवसरों में होगी वृद्धि। जानेंगे खबरों को विस्तार से। छत्तीसगढ़ में गरमाई आरक्षण के मामले पर सियासत में अब तक कहीं ना कहीं विराम लगने का समय आ गया। आदिवासी हित को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 दिवसीय विधानसभा विशेष सत्र बुलाकर इसमें आरक्षण के मसले पर सदन में चर्चा की, जिसको लेकर सीएम ने कहा राज्यपाल ने बात कही थी, विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें लगातार चर्चा हुई, विधेयक उसके बाद पारित हुआ। अब ये कब तक राजभवन से आता है ये देखने वाली बात है। इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि कोई भी विधेयक जब आता है तो विधेयक के बारे में पूरा परीक्षण किया जाता है, सचिवालय और लीगल एडवाइजर के बाद राज्यपाल के पास पहुंचती है, ये तत्काल में नहीं होता। कल सभी मंत्री राजभवन पहुंचे थे, यह पहल मैंने ही किया था कि अध्यादेश लाएं और जो विधेयक लाया गया इसके लिए सकारात्मक सहयोग मिलेगा। फिलहाल सोमवार को इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो मैंने मंत्री जी और उन सबको कहा है कि भाई ये तो पहल मैंने ही किया था कि आप विशेष सत्र या अध्यादेश लाएं, और आपने लेकर आए हैं और निश्चित रूप से मेरा पूरा सकारात्मक सहयोग मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ पुलिस की गाड़ी आज मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हो गई। इसके चलते जीप के चालक की मौत हो गई, जबकि आरोपी और थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें ASI दिनेश चौहान की हालत गंभीर बताई जा रही है, सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक धारा 354 के आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर मनेन्द्रगढ़ थाना पुलिस मध्य प्रदेश के निमित से लौट रही थी, और करीब 4 बजे भेड़ा घाट के पास पुलिस की गाड़ी के चालक आकाश राजवाड़े को झपकी आ गई। इसके चलते वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकराकर सड़क पर पलट गया। हादसे में चालक आकाश राजवाड़े की मौके पर ही मौत हो गई, घायलों का इलाज जारी है। केंद्रीय इस्पात सचिव संजय कुमार सिंह ने नगरनार स्टील प्लांट से अगले साल जुलाई अगस्त तक उत्पादन शुरू हो जाने की संभावनाएं जताई है। उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित स्टील प्लांट है, अभी इसकी क्षमता 3 मिलियन टन सालाना उत्पादन की है, भविष्य में इसकी उत्पादन क्षमता 10 मिलियन टन तक बढ़ाई जा सकेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 दिन के बस्तर दौरे पर शुक्रवार को जगदलपुर पहुंचे इस्पात सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन की है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है, और वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर देश में स्टील उत्पादन की क्षमता 154 मिलियन टन तक पहुंच गई है। इसी के साथ नगरनार स्टील प्लांट से बस्तर के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, रोजगार के अवसरों में भी तेजी से वृद्धि होगी। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।